बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के कर्व टेस्टिंग चैप्टर से है। ट्रेस द कर्व वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर, यानी में वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर, इस कर्व को ट्रेस करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसके सिमेट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि कर्व किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा या वाई एक्सिस के अबाउट। तो हम देख रहे हैं कि एक्स में यहाँ पर इवन पावर है, इवन पावर है, और वाई में इवन पावर नहीं है। तो एक्स, अगर एक्स में इवन पावर है तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो लिख देते हैं द कर्व इज़ सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स में जो थे जो पावर है, जो डिग्री है, वो इवन है, इस वजह से लिख दिया। एक पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम पॉइंट होना ज़रूरी नहीं है, और जितनी भी ज़रूरत है उस हिसाब से हम लोग पॉइंट ले लेते हैं, जिससे हमें रफ आइडिया मिल जाए, बस उसे ट्रेस कर देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ये कर्व क्या ओरिजिन से पास हो रहा है। देखिए, कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म इसमें नहीं है, यहाँ पर देख रहे हैं ये कांस्टेंट नहीं है, आप नज़र आ रहे हो वन कांस्टेंट है, लेकिन अगर वाई का मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट ओपन करने के बाद में, यानी इसको ऐसे बना लेंगे वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर, तो देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो ये कर्व, ऐसा कर्व जो है वो पास होता है ओरिजिन से 0,0 से, यहाँ पर आप 0,0 रख के इसे देख सकते हैं, लेफ्ट राइट इक्वल भी होना चाहिए, ऐसे भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन, मतलब 0,0। तो ये आप सिर्फ इसको कर्व को इक्वेशन को देख के कर सकते हैं। कर्व ट्रेसिंग में हम लोग डायरेक्ट इसको लिख देंगे कि ये, अगर कोई कांस्टेंट टर्म मौजूद होगा तो लिख देंगे कि कर्व ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। अगर देख रहे हैं कि कोई कांस्टेंट टर्म अगर नहीं है तो ये ओरिजिन से पास हो रहा है। अब अगर ओरिजिन से पास होता है तो हम लोग फौरन ही फाइंड कर लेते हैं टेंजेंट एट ओरिजिन। ये कैसे फाइंड किया जाता है? इसके लिए लोवेस्ट डिग्री टर्म, देख रहे हैं कि लोवेस्ट डिग्री यहाँ पर ये जो है वो टू और वन, थ्री डिग्री का कहलाएगा, ये टू डिग्री का कहलाएगा, ये वन डिग्री का। तो लोवेस्ट डिग्री टर्म को हम ज़ीरो के बराबर रख देते हैं, ये टेंजेंट एट ओरिजिन आ जाती है। इस एक्स वाई बराबर ज़ीरो जो होता है एक्चुअल में एक्स एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस ज़ीरो पर टेंजेंट है, ये पता होगा, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। अब क्या करना है, जितने भी पॉइंट आप देख सकें इससे रफ आइडिया मिल जाए, हम अब एसिम्प्टोट्स की बात कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एसिम्प्टोट्स की बात करें, कोई और दूसरे पॉइंट भी यहाँ पर कंसीडर किए जा सकते हैं, और इनको भी ले सकते हैं, जो भी आपका कर्व को रफ आइडिया मिल जाए कि कैसे ट्रेस करना है, पॉइंट ज़्यादा नहीं दिखाना होते हैं। तो हम एसिम्प्टोट्स की बात करते हैं, एसिम्प्टोट्स, और उसमें भी सबसे पहले पैरेलल एसिम्प्टोट्स। तो पैरेलल एसिम्प्टोट फाइंड करने का ये तरीका होता है कि जैसे कि वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट फाइंड करें, वो यहाँ पर मौजूद है एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट निकालना है, तो वाई की जो सबसे बड़ी पावर है, एक ही है टर्म, तो उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको आप ज़ीरो के बराबर पुट कर दीजिए, आर गिवन बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू ज़ीरो, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वन बराबर एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, और हम जब स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगी, इसकी दो वैल्यू होती हैं, प्लस माइनस वन का स्क्वायर रूट वन होता है, तो प्लस माइनस वन। इस तरीके से एक्स इक्वल टू प्लस वन और एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ये दो एसिम्प्टोट्स हमें पता चल गए। अब इसको थोड़ा सा हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे रफली, बाद में इसको ठीक से कर देते हैं कि ये हमारा वाई एक्सिस हमने बनाया है, ये एक्सिस है 90 डिग्री पर, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं और ओरिजिन पर, कर्व हमारा ये ओरिजिन से भी पास होता है, और ओरिजिन एक्सिस इसकी टेंजेंट है, ये हम लोगों ने देख लिया था पॉइंट हमने सेकंड में, और एसिम्प्टोट देखा था। कर्व जो है सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस के, पहले पॉइंट में देखा था, यानी जैसा कर्व बनेगा वाई एक्सिस के इस लेफ्ट हैंड साइड वैसा ही राइट हैंड साइड बनेगा, दोनों साइड में एक जैसा बनेगा। तो एक साइड ही बना देंगे, दूसरा इसी को देख के बना सकते हैं। अब
एसिम्प्टोट्स के बारे में बात करें, एसिम्प्टोट यहाँ पर अभी सिर्फ हमने वाइक्सिस के पहले देखे, वाइक्सिस के पहले दो एसिम्प्टोट्स हैं, एक तो एक्स इक्वल टू प्लस वन डिस्टेंस पर, यानी ये डिस्टेंस अगर वन ले रहे हैं तो वाइक्सिस के पहले एसिम्प्टोट, यानी ये वो लाइन जो कि इन्फिनिटी पर जाके कर्व को टच करती है लेकिन ओरिजिन से देख रहे हैं कि फाइनाइट डिस्टेंस पर होती है, लेकिन ओरिजिन ये, या दूसरे शब्दों में कहें कि ये कर्व जो है इस लाइन के सारे सारे इन्फिनिटी तक जाएगा। एक्स इक्वल टू ये वाली लाइन जो है वो तो है हमारी प्लस के वन, और इसी इतनी ही दूरी पर निगेटिव डायरेक्शन में एक्सिस की हम माइनस वन डिस्टेंस पर देखेंगे ये वाली लाइन होगी जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, इसमें वाई का कोएफिशिएंट नहीं होता, टर्म नहीं होता है, सिर्फ एक्स का ही होता है, कॉन्स्टेंट होता है, वाई इक्वल टू माइनस वन। ये भी लाइन, इस लाइन के सारे भी कर्व इन्फिनिटी तक जाएगा। अब हमने जैसे तरीके से वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट देख लिया, अब हम एसिम्प्टोट देखेंगे पैरेलल टू, एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट देखना हो तो हाईएस्ट पावर देखते हैं, जिस तरीके से आपने अभी हाईएस्ट पावर वाई की देखी थी, एक्स की हाईएस्ट पावर देखेंगे, लेकिन एक्स की हाईएस्ट पावर दो है और ये दो बटी हुई है, तो आपने क्या किया, बेक्यूटोमिन करके वाई का इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इतना ये आ गया था। अब सभी टर्म को, यानी हम खासतौर से एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साइड करना चाहते हैं, तो इन तीनों टर्म को हम इस तरफ ले जाएंगे, तो एक साइड तो ज़ीरो हो गया है जिसको हमने यहाँ पर दिखा दिया है, और हमारे पास एक्स स्क्वायर था और एक्स स्क्वायर और वाई वाले टर्म को हम दे गए राइट हैंड साइड में, और इस वाई को भी इधर ले जाएँ तो माइनस का वाई हो जाएगा। हम हाइएस्ट पावर देखना चाह रहे हैं एक्स स्क्वायर की, तो इन दोनों में से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे पास वन प्लस वाई होगा और ये माइनस का वाई है, इस जीरो को हम इधर लिख देते हैं। तो एसिम्प्टोट हमें अगर चाहिए एक्स एक्सिस से पहले, तो एक्स की जो मैक्सिमम पावर है, हाईएस्ट पावर है, उसका जो कोएफिशिएंट होता है उसको जीरो के बराबर रख देंगे, यानी हमें मिल गया है ये वन प्लस वाई को जीरो के बराबर रखने पर वाई इज इक्वल टू माइनस का वन मिल गया है। वाई इज इक्वल टू माइनस वन वो लाइन होती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, और ये माइनस वन है तो इसका मतलब हम निगेटिव डायरेक्शन में, ये ऊपर प्लस वन होगा नीचे ये माइनस वन होगा, इतनी दूरी पर ये वाली जो लाइन होगी वो एसिम्प्टोट हो जाएगी, वाई इक्वल टू माइनस वन एसिम्प्टोट हो जाएगी। इस तरीके से हमारे ये तीन एसिम्प्टोट हैं, एक ये एसिम्प्टोट है एसिम्प्टोट, और दूसरा एसिम्प्टोट ये है, और तीसरा एसिम्प्टोट ये है, तो ये इन तीन लाइन के सारे सारे कर्व जाएगा, और कर्व चूँकि यहाँ पर इस ओरिजिन से पास होता है और ये ओरिजिन जो है वो एक्सिस ये टेंजेंट है, तो उम्मीद है कर्व यहाँ पर इस तरीके से जाएगा, इस क्योंकि कर्व जो सिमेट्रिकल है, जैसा एक्सिस वाई एक्सिस के आपके लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है वैसे ही वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में बन रहा है कर्व, रफली हमारा आइडिया इतना हो गया है कि इतना जाएगा। और इसमें थोड़ा सा पता करने के लिए कि कर्व क्या माइनस वन और प्लस वन के बीच में है, तो इसे पता करने के लिए आप कोई दूसरा पॉइंट जैसे इनके बीच में जीरो वन के बीच में एक्स इक्वल टू वन बाई टू रख के देख लेते हैं, अगर बाई की वैल्यू मिल जाती है तो इसका मतलब कर्व इनके बीच में मौजूद है, और फिर आप बना देंगे इसको, तो हम यहाँ से रख के देख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर जो वन जो गिवन इक्वेशन है वहाँ से अगर हम वाई की वैल्यू निकालें तो इसको डिनोमिनेटर में ले लेंगे, ये हमारा चौथा पॉइंट में हम ले लेते हैं, वाई की वैल्यू हो जाएगी इक्वेशन नंबर वन से एक्स स्क्वायर अपान में वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब आप बराबर हो तो आप डिवाइड कर लिया करें, तो उसके लिए जैसा ऊपर है वैसे नीचे बनाने के लिए हम माइनस को बाहर ले लेंगे ताकि एक्स स्क्वायर प्लस हो जाए वन माइनस हो जाए। अब जैसा डिनोमिनेटर में है वैसा न्यूमरेटर बना दो ताकि डिवाइड करना आसान हो जाए, और ये तब करते हैं जब पावर बराबर होती है, वैसे तो हम लोग डिवाइड करने का तरीका होता ही है, तो माइनस वन है तो माइनस वन कर दीजिए, और जितना आपने माइनस किया उतना ही प्लस कर दीजिए, ये माइनस जो है वो तो साइड से कर दो ये वाला, और इसको अलग अलग कर दो, ये अपान ये और वन अपान ये, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये सवाल डिपेंड करता है अलग अलग क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं ये कैलकुलेशन आप हर एक क्वेश्चन में करना हो, बाकी के जो पॉइंट्स हैं सिमेट्री है ओरिजिन से पास हो रहा है एसिम्प्टोट वो तो आप देख लिए, इस वाले कर्व के लिए ये थोड़ा सा स्पेशल कैलकुलेशन करें, पूरा पूरा कैंसिल हो गया वन टाइम्स वाई इक्वल टू आ गया माइनस वन, इस ब्रैकेट को भी ओपन कर देंगे तो ये वाला साइन जो है माइनस को हो जाएगा वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ से थोड़ा सा हमारा आइडिया इस कर्व के बारे में मिल जाएगा, और उससे पहले हम ये दिखाना चाहते थे कि चेक करना चाहते थे कि एक्स ज़ीरो वन के बीच में जो पॉइंट है वन बाई टू, क्या एक्स इक्वल टू वन बाई टू रखने पर यहाँ पर वाई की वैल्यू हमें मिल जा रही है,
वन बाई टू रख वन बाई टू रखने पर ये वन बाई फोर हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर वन में से वन बाई फोर माइनस होगा, तो ये सॉल्व हो के ये तो वैल्यू थ्री बाई फोर, एक वन बाई फोर अपान में थ्री बाई फोर, और ये फोर अपान वाला कैंसिल हो जाएगा, वन बाई थ्री वैल्यू आ जाएगी। यानी यहाँ पर वन बाई टू रखने पर वन बाई थ्री आ रही वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ वन एक्स इक्वल टू वन बाई टू ये हो जाएगा, और वाई इक्वल टू वन, वाई की वैल्यू यहाँ पर वन है यानी जीरो का वन पॉइंट है, तो इस वन के तीन हिस्से बराबर बराबर अगर कर दिए जाएँ तो वन बाई थ्री हमें यानी यहाँ पर मिल जाएगा, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, यानी कर्व का पोर्शन जीरो वन के बीच में लाई कर रहा है, और ये इस ओरिजिन पर ये टेंजेंट है एक्स एक्सिस, ये हमने पहली पॉइंट में दूसरे पॉइंट में देख लिया था, तो इसका मतलब कर्व इसी तरीके से बनेगा। बना दीजिए और ये कर्व जो है इस वाली जो एसिम्प्टोट है इसके साथ साथ इन्फिनिटी तक चला जाता है, जैसा कि वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में वैसे ही, मतलब राइट हैंड साइड में वैसे ही ये लेफ्ट हैंड साइड में कर्व बनेगा, दोनों में एक जैसा बनेगा, सिमेट्रिकल है, पहला पॉइंट बताता है ये। अब हम देखते हैं कि वन से ग्रेटर के लिए वैल्यू क्या होगी, वन से लेस देन के लिए कर्व कहाँ पर बनेगा, तो क्या ये एक्सिस के ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, इसके बारे में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि एक्स की वैल्यू कुछ जिस तरीके से हमने एक पॉइंट, मतलब कुछ पॉइंट कर्व ट्रेसिंग में ज़्यादा पॉइंट हमें नहीं लेना चाहिए, जैसे अभी हम लोगों ने देख लिया था वाई की वैल्यू को फाइंड करके, और वहाँ पर एक टेबल थोड़ा सा बनाने एक दो पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू हमने वन बाई टू रखी थी, तो वाई की वैल्यू वन बाई थ्री मिलेगी। ऐसे हम निगेटिव वैल्यू के लिए जैसे माइनस टू रख देते हैं, तो उसके देखिए हमारा कर्व क्या था, वाई अपान वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान वन माइनस एक्स, ये था। यहाँ पर अगर माइनस टू रखेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा फोर, और ऐसे यहाँ पर भी फोर आ जाएगा, लेकिन ये वैल्यू जो होगी माइनस थ्री आ जाएगी, यानी कुल मिला के निगेटिव होगी फोर बाई थ्री, यानी वन से थोड़ा सा ज़्यादा है, डिवाइड करेंगे तो वन होल वन बाई थ्री आएगी, यानी वन से इसे दो हिस्सों बांट सकते हैं, माइनस वन और वन बाई थ्री, यानी माइनस वन से भी ये वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, माइनस वन में से भी कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये कर्व जो है शुरुआत होगी वाई इज इक्वल टू माइनस वन, तो ये वाली लाइन इस लाइन के बाद में वैल्यू स्टार्ट होगी, यानी यहाँ से होगी, जब एक्स की वैल्यू हमने कितनी रखी थी टू रखी थी, देखिए यहाँ तक वन हो गया, और ये इतनी ही दूरी पर ये वाला पॉइंट यहाँ पर मिला एक्स इक्वल टू टू है दूरी, तो यहाँ पर इस वाई इज इक्वल टू माइनस वन से भी कम दूरी, यानी यहाँ पर करीब पॉइंट मिल रहा है ये, तो ऐसे बहुत से पॉइंट मिलेंगे, और ये पता हो गया यानी ऊपर नहीं मिलेगा y की वैल्यू, जब हम x की वैल्यू 1 से ग्रेटर रखेंगे तो ये सारी y की निगेटिव वैल्यू होंगी, और ये सारी निगेटिव वैल्यू जो है यहाँ से हमें पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि अगर हम x की वैल्यू जो होगी वो 1 से ग्रेटर रखेंगे तो ये सारी वैल्यू जो होंगी y की वो माइनस वन से सभी छोटी ही आएंगी। और एक चीज़ ये भी पता चल रही है कि हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो अगर हम इस सिर्फ इस वाले टर्म की बात करें तो x बढ़ने पर ये वाला टर्म छोटा होता चला जाएगा, और ये वाला टर्म छोटा होता चला जाएगा x की वैल्यू बढ़ाने पर, यानी कर्व जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये वैल्यू जो है ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी कम होती जाएगी, क्यों x बढ़ने पर ये न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी, वन से ये कम ही होगा, वन तो हो गई माइनस, साथ में ये वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, यानी जैसे जैसे हम x के इस तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे ये कर्व जो होगा वो इस लाइन के करीब होता जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू घट रही है, और यानी उसका उल्टा कहें कि हम वन के करीब जाएंगे तो वैसे वैसे ये वैल्यू जैसे जैसे हम वन के करीब जाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये टोटल वैल्यू बढ़ेगी, यानी वन से ज़्यादा माइनस होगा, और यानी और फिर इधर आके इन्फिनिटी से मिलेगा। और जिस तरीके से हमें लेफ्ट हैंड साइड में बनाना है वैसे ही आपको जैसे राइट हैंड साइड में बनाना वैसे ही ये कर्व जो है लेफ्ट हैंड साइड में भी चलेगा, कर्व यानी इस तरीके से चलेगा। अब इसी कर्व को हम दोनों कम्प्लीटली इसको दोबारा से बना दें, ये रफली बनाया था हमने, तो ये वाला पॉइंट तो हमने डिनोट कर ही दिया है माइनस वन और माइनस वन बाई थ्री, यानी इसकी वैल्यू जो है अगर हम पॉइंट में अगर निकालते तो पूरा तो नहीं आ जाता आ पाता ये, यानी माइनस वन पॉइंट थ्री थ्री इस तरीके से आता, तो माइनस वन से छोटी वैल्यू है ये, तो इसको हम अब बना देते हैं दोबारा से रफली जो बनाया है इसको दोबारा से कर देते हैं। हम लोगों ने देखा था कि एक्स एक्सिस है ये और वो वाई एक्सिस को कट करता है, ओरिजिन पे कट करता है, हमारा जो कर्व है वो भी ओरिजिन से पास होता है,
और इसकी दो बाइक्स इसके पैरेलल एसिम्प्टोट आई थी, एक का नाम था एक्स इक्वल टू प्लस वन और दूसरे का एक्स इक्वल टू माइनस वन। यानी कर्व इसके और ये यहाँ पर ओरिजिन पर ये टेंजेंट था, एक्स एक्सिस जो था वो टेंजेंट था। यानी कर्व इस तरीके से यहाँ पर टच करता है और यहाँ पर टेंजेंट ये हो जाएगी और ये इन्फिनिटी तक इस तरीके से चला जाएगा। बस बहुत ही कम पॉइंट हमने निकाले, ये इन्फिनिटी तक कर्व जो है इसका इस लाइन के सहारे सारे इन्फिनिटी तक चले जाएगा, बिल्कुल साथ साथ चलता है, इसी को एसिम्प्टोट बोलते हैं। और जो हम लोगों ने एक्सिस के पहले एसिम्प्टोट निकाला था, जो बाई इक्वल टू वन डिस्टेंस, यानी वन डिस्टेंस इसी को जितनी ये वन डिस्टेंस है उतनी ये नीचे की तरफ ले लिया, लेकिन ये y इज इक्वल टू माइनस वन, ये भी एसिम्प्टोट है। तीन एसिम्प्टोट इसके इस कर्व के हम लोगों ने जो पैरेलल एसिम्प्टोट है वो फाइंड किया। हालांकि और हो सकते हैं, वो और हो सकते थे लेकिन इसलिए नहीं होंगे क्योंकि तीन हमने फाइंड कर लिए और इसमें जो मैक्सिमम डिग्री मिल रही है वो यहाँ से दो और एक तीन, तीन डिग्री मिल रही है और तीन से ज़्यादा एसिम्प्टोट नहीं हो सकते। यानी सारे के सारे एसिम्प्टोट्स हमने फाइंड कर लिए, एसिम्प्टोट के सारे काफ़ी हद तक कर्व आसानी से प्लॉट हो जाता है। मेन लाइन जो हमारा एक्स एक्सिस है वो ये है और वाई एक्सिस ये है और आप फिर इसके बाद कर्व को ऐसे बना देंगे इन दोनों लाइनों के बीच में बना देंगे और ये एक्स इक्वल टू प्लस वन और एक्स इक्वल टू माइनस वन के बीच में ये कर्व इन्फिनिटी तक चला जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा था एक्स इक्वल टू वन के बाद जो कर्व बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, हाइपरबोलिक फॉर्म में होगा यहाँ पर। और इसी तरीके से ये चूँकि सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस के अबाउट, तो जैसा इस तरफ बनेगा वैसा राइट हैंड साइड में वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसा ही कर्व बना दीजिए। इस तरीके से ये हमारा कर्व ये कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।